Hi everyone, welcome to my math challenge. So my dear friends, in this video you will get 20 most important questions for your forthcoming JEE mains. So that means from easy kill chapters, जो 15 most easy kill chapters है वहीं से 20 questions मैंने discuss किया. ये सारे questions को पूछे जाने का possibilities है. पहले इसे समझने का कोशिश करो, फिर दिल से प्रैक्टिस करो. सो माई डियर फ्रेंड्स, इजी किल चैप्टर के बारे में आपका आइडिया होना चाहिए. क्लियर? सो 11 से 5 चैप्टर्स है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड कॉनिक सेक्शंस. एंड क्लास 12 से 11 चैप्टर्स है. लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशंस, मैक्सिमम मिनिमा, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये सारे इजी चैप्टर्स है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है. आपको यही ये सारे चैप्टर का ऊपर ध्यान देना है. आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो मैथ्स का क्या रूल है. मैथ्स का जो रूल है, सो दैट इज 5, 10, 12, 15. 5 क्वेश्चंस करेक्ट का मतलब है आपका मार्क्स 90%. 10 क्वेश्चंस करेक्ट का मतलब है आपका मार्क्स 95%. क्लियर? 12 क्वेश्चंस करेक्ट मतलब आपका मार्क्स 99%. एंड 15 क्वेश्चंस करेक्ट मतलब आपका मार्क्स 99.5%. सो माई डियर फ्रेंड्स, ये जो 16 मोस्ट इजी किल चैप्टर्स है, यहीं से 20 क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है. क्लियर? तो आपको 20 क्वेश्चंस नहीं करना, आपको ओनली 15 क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करना है. 15 क्वेश्चंस मींस क्या आपका मार्क्स 99.5% सबका मुट्ठी में है, कोई आपको हटा नहीं सकते. सो माई डियर फ्रेंड्स, माइंड को शांत रखे, ये सारे क्वेश्चंस को दिल से प्रैक्टिस करो. तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग JEE मेन एग्जाम. नाउ दिस इज मॉक टेस्ट 7. क्लियर? ए सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ fx, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x इन दिस. क्लियर? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला है? ना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x. सो लाइक दिस. क्लियर? ये कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? ना जब जब ये इंटीजर देगा. कहाँ पे इंटीजर देगा? 5, 10, 15, 20, 25, 100. सो दिस इज 20 पॉइंट्स है. ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा? ना जब ये इंटीग्रल वैल्यू देगा 2, 4. सो दिस इज 50 पॉइंट्स है. क्लियर? अभी 10, 20, 30 एंड सो दिस इज 100. 10, 20, 30 एंड 100. सो दिस इज 10 पॉइंट्स तो इसमें है. क्लियर? इस पर 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 100 भी है. एंड 5, 15, 25, 95 ये भी 10 पॉइंट्स है, तो इसमें है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होगा? ये दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो. ठीक है? क्लियर? सो दिस इज 70 माइनस 10 माइनस 10, सो दैट इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स. दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर योर फोर्थकमिंग JEE मेन एग्जाम. इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. आपको 99.5% मार्क्स चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन का ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. नाउ सो दिस इज क्लियर मॉक टेस्ट 7. If fx is a thrice differential function such that this is equal to 12, then clear. So this is f triple dash 0 का वैल्यू क्या होगा? ये आपको फाइंड करना है. जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा, सो दैट मींस व्हाट विल राइट हियर? क्लियर? सो लाइक दिस. ठीक है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. क्लियर? ये हमेशा जब ये लिमिट एग्जिस्ट है, सो दिस इज 0/0 फॉर्म में है. क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करो. सो लाइक दिस. अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको क्लियर. सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट करो. सो दिस इज 12. अभी भी 0/0 फॉर्म है, सो दिस इज क्लियर डिफरेंशिएट करो. लेकिन और यहीं पर क्या 0/0 फॉर्म नहीं है, सो दैट इज 6. f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 72. f ट्रिपल डैश 0, सो दैट इज इक्वल टू 12 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग JEE मेन एग्जाम. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर डिफरेंशिएशन. लेट f x इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x एंड g x बी इट्स इनवर्स, देन g डैश ऑफ माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा? सो लाइक दिस. क्लियर? यहीं पे क्या है, देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. किस टाइप का फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन. इफ यू कैन मेक अनदर फंक्शन g फ्रॉम y टू x, दैट टाइम यू विल से दैट g इज द इनवर्स ऑफ f. क्लियर? सो हियर g ऑफ y, दिस इज f(x) इक्वल टू y, तो g ऑफ y इक्वल टू x. सिंपल डिफरेंशिएट करो, g डैश y इनटू dy dx इज 1, g डैश y इज इक्वल टू 1 / dy dx, दैट इज इक्वल टू दिस. अभी यहीं पे y का वैल्यू माइनस 4 कब होगा? देखो, x का जगह पे माइनस 2 रखो, fx का वैल्यू माइनस 4 होगा. सो दैट मींस y का वैल्यू माइनस 4. पुट x इक्वल टू माइनस 2, g डैश माइनस 4 इक्वल टू हाफ है. क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग JEE मेन.
sessions 2 exam. Now let f of x plus y equal to fx into f of y for every a, x, y belongs to r, f of 5 equal to minus 2, f dash 0 equal to 3, तो f dash 5 का value क्या होगा? तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्लियर विद रिस्पेक्ट टू x where y as a constant. So this is f dash x plus y, इसीलिए f dash x into f of y. इसका डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि वाई तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो है. अभी पुट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू x, सो लाइक दिस. तो f dash x by fx इक्वल टू थ्री है. अभी f dash जीरो तो थ्री है, सो दैट इज थ्री fx है. अभी आपको फाइंड करना है f dash फाइव, पुट x इक्वल टू फाइव, f dash फाइव इक्वल टू थ्री, f of फाइव, f of फाइव इज माइनस टू, सो दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स. इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. Now minimum distance between the curves y square equal to x minus 1 and x square equal to y minus 1 is kya hoga? So here, so this is y square equal to x minus 1, aisa graph hai, and x square equal to y minus 1, so like this. So here, ye jo do graph hai, ek curve hai, ek dusre ka image hai with respect to the line y is equal to x hai. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो. सो दिस इज 2y dy dx इक्वल टू 1, y डैश इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2y. अभी इसको डिफरेंशिएट करो, सो dy dx इज 1, तो 1 बाई 2y इक्वल टू 1, y का वैल्यू हाफ है, इस पे पुट कर दो. सो दिस इज 1 बाई 4 प्लस 1, 5 बाई 4, x का वैल्यू 5 बाई 4 है. जब x 5 बाई 4, y का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 है. तो यार Q पॉइंट क्या है, इसका इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x है. तो यार 1 बाई 2 एंड 5 बाई 4 है, ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है. सो दैट मीन्स क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लियर बिटवीन द कर्व. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अप्लाई करो, सो यू विल गेट दिस. सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट नाउ 1 बाई रूट 2 है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग जेईई मेन एग्जाम. Now the value of this limit n tends to infinity k square by n cube plus k cube k is equal to 1 से n is so like this. ठीक है, तो 1 by k से multiply कर दो, so this is k cube, और k cube से divide कर दो, so this is x. ठीक है, and so this is 1 plus x cube है, इसका जगह पे integrations, and 1 by k का जगह पे dx है, and so this is जो lower limit है. लोअर लिमिट क्या होता है, सो दिस इज 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन, सो दिस इज लाइक दिस. अभी पार्शियल फ्रैक्शंस में ऐसा करके ब्रेक कर लोगे, सो दैट इज ए इज इक्वल टू 1 बाई 3, बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, सी इक्वल टू 2 बाई 3. देखो कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ए प्लस कोफिशियंट्स ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी, सो दैट इज जीरो है. एंड कोफिशियंट्स ऑफ एच क्या है, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो है. एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 है. इधर कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये सब को सॉल्व कर लो. देखो यहीं पे तो यार जब इसको सॉल्व कर लोगे, सो द सी इज बी इक्वल टू माइनस ए, इस पर पुट कर दो, सी का वैल्यू 2a है, सी का वैल्यू 2a, इस पर पुट कर दो, ए इज 1 बाई 3, बी इज माइनस 1 बाई 3, एंड सी इज 2 बाई 3 है. नाउ ए सिंपल इंटीग्रेशन है, क्लियर, वो ए बी एंड सी का वैल्यू पुट कर दिया. अभी ये दोनों को एक साथ लिखा और इसको बड़ी से 2 से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 1 प्लस 1 कर दिया. एंड सो दिस इज ए जो पार्ट है माइनस 1 बाई 6, एंड दिस इज क्लियर माइनस 1 बाई 6, एंड दिस इज 4 बाई 6, सो दिस इज 3 बाई 6. ठीक है, अभी उसका बाद तो सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, सो दिस इज 3 बाई 6, सो दिस इज वाई. ठीक है, क्लियर, 3 बाई 6, देखो ए ये सबका सब कैंसिल है, एंड सो दिस इज 1 बाई रूट 3, एंड सो दिस इज इज वेल क्लियर 1 बाई रूट 3, एंड सो दिस इज 2 बाई रूट 3 इंटू 5 बाई 6. इसका साथ इसको और एक बार कैंसिल कर सकते हो, सो दिस इज 1 बाई 3 लॉग 2. ठीक है, एंड सो दिस इज 5 बाई 3 रूट 3. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग जेईई मेन एग्जाम. नाउ एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स, एक क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y equal to x square and x equal to a y square, where a is positive is 1 square unit, then a is kya hoga, a iska graph hai. Theek hai, clear, iska naam de liya c1, iska naam diya c2, so like this. Theek hai, abhi ye do curve ko solve karke clear solve kiya, x ka value 1 by a hai, ye point mil gaya. x jab 1 by a hai, y bhi also 1 by a hai, to area kya hoga na, so this is c1 minus c2 hai. Suppose yahi pe ek cylinder draw karoge, तो अपर एंड माइनस लोअर एंड, सी वन माइनस सी टू,
अभी इसको सी वन कंसिडर किया तो इस पे वाई का वैल्यू क्या है, रूट एक्स बाई ए है, एंड सी टू पे वाई का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दिया, सो दैट ए इज वन, सो दिस इज वन बाई थ्री ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज वन, थ्री ए स्क्वायर इज वन, ए का वैल्यू वन बाई रूट थ्री, तो यार ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वन को कंसिडर करो। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, ए एक्चुअली पी वाई क्यू जे एडवांस्ड है, यही आपको सीखना है। तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड को शांत रख के, कूल रख के ये सारे क्वेश्चन को दिल से प्रैक्टिस करो, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। नाउ सो दिस इज इट, जीरो से इनफिनिटी कॉस एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन जीरो से इनफिनिटी कॉस क्यूब एक्स बाई एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला ये आपको मालूम होगा, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, यहीं से कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी ये कॉस क्यूब एक्स का जगह पे वैल्यू को लिख लो, इसको अलग अलग कर लो, सो दिस इज वन बाई फोर दिस एंड सो दिस इज थ्री बाई फोर दिस, ठीक है, इसको ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री बाई फोर, अभी थ्री एक्स इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई बाई वाई, ठीक है, तो यार इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यार थ्री एक्स जब वाई है सो दैट इज व्हाट, तो यार थ्री डी एक्स, थ्री एक्स इक्वल टू वाई, सो थ्री डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ठीक है, तो यार सो दिस इज ये क्या होगा, सो दिस इज थ्री बाई ए होगा, सो दिस इज फाइव बाई फोर एंड सो दिस इज थ्री पाई बाई, ठीक है, क्लियर, पाई बाई एट है, सो दैट इज ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू पाई बाई एट एंड थ्री पाई बाई एट, सो दैट इज व्हाट, फाइव पाई बाई एट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग जेई मेन एग्जाम, इसे समझने का कोशिश करो, ठीक है, क्लियर। ए जो क्वेश्चन है देखो, थ्री एक्स इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई बाई वाई, थ्री डी एक्स इक्वल टू डी वाई, सो दिस इज वन बाई फोर है, वन बाई फोर, Now the sum of the series is 14 verse 7 by 4 plus 14 verse 19 by 4 plus 14 verse 39 by 4 2 up to infinity is this. So 10 verse 4 by 7, so like this. ठीक है, summation size is equal to 1 से infinity 10 verse 4 by 4 r square plus 3. So the series 4 से divide करो, so like this r square minus 1 by 4. Clear? And so you can write obviously so like this. Numerator को देखो, r r cancel, half plus half, so that is 1 है, यहाँ पे 1 है. 10 verse x minus y by 1 plus x y, so like this. इस पे छोटा वैल्यू पुट करना है, इस पे बड़ा वैल्यू पुट करना है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स क्या, पाई बाई टू है, आर का जगह पे वन रखो, सो टेन इनवर्स हाफ, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स हाफ, फोर्टी इनवर्स हाफ, सो दैट इज इक्वल टेन इनवर्स टू है। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करो, इसका पूछे जाने का पॉसिबिलिटी 1000% है। नाउ लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स, इफ वाई ऑफ एक्स जीरो इज ई वाई ऑफ वन इक्वल टू वन, देन एक्स जीरो इक्वल टू दिस, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस, पुट वाई वाई एक्स इक्वल टू वी, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू दिस, यहीं पे वी वी कैंसिल, माइनस वी क्यूब बाई वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज वन प्लस, अभी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, सो दिस इज वन प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यू डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, सो माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लव वी, ये क्या सी माइनस वी इज व्हाट, वाई बाई एक्स, वी इज वाई बाई एक्स, सो लव वाई, सो दैट इज इक्वल टू सी, पुट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, वाई इक्वल टू ई, सी का वैल्यू आपको ये मिला है, क्लियर, सो लाइक दिस, अभी एक्स इज वन वाई इज वन, सो दैट इज एक्स जीरो का जो वैल्यू है, सो दैट इज रूट ई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करो, इसका भी पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। Now, so this is if x equal to 12, summation n equal to 3 to 100, 1 by n square minus 4, then greatest integers of this. ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सो हाउ टू राइट एन इज इक्वल टू थ्री, इसको फैक्टर फाइंड कर लो, पहले छोटा फैक्टर को लिखोगे एंड देन ग्रेटर वन, न्यूमरेटर को एक बार कैलकुलेट कर लो, एन प्लस टू माइनस एन प्लस टू, सो दिस इज कैंसिल, टू एन प्लस टू फोर है, इसीलिए यहीं पे थ्री लिखा, अभी यहीं पे छोटा वैल्यू पुट करो वन एंड ग्रेटर वैल्यू इस पे पुट करो वन बाई टू है, सो थ्री माइनस वन बाई थर्टी फोर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ दिस, थ्री प्लस और माइनस दिस, ठीक है, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, माइनस वन, थ्री माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू टू है। ये क्वेश्चंस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत है। नाउ द सम ऑफ 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 अप टू 50C25 इज क्या होगा, तो ये इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज, देखो ये फार्मूला को एक बार अप्लाई करो, NCR इज इक्वल NCN माइनस R, सो लाइक दिस, इधर को ऐड कर दो, सो दैट इज ट्वाइस इज, यहीं से शुरू कर दो, ये दो बार है, एक बार बाहर लिख दो, एक बार अंदर लिख दो, सो लाइक दिस,
सम ऑफ, तो यार इसका सम क्या होगा, 2 का पावर 50 एंड सो दिस इज 50 सी 25 पे, इसका वैल्यू क्या है, 2 का पावर 49 प्लस हाफ इनटू 50 सी 25, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग जेईई मेन एग्जाम. नाउ इफ 0 से इनफिनिटी cos x / x dx इक्वल टू पाई बाय 2 देन इसका वैल्यू क्या होगा, सो यहीं पे cos 3x है इसीलिए cos 3x इक्वल टू, ये फार्मूला आपको पता होगा, यहीं से cos 3x का वैल्यू फाइंड किया, cos 3x + 3 cos x / 4 है, 0 से इनफिनिटी dx, ठीक है, तो यार इसको अलग अलग कर लिया एंड सो दिस इज 3 / 4 x cos, इसका तो ऑब्वियस है इसका वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है, ठीक है, तो यार लेकिन इस पे क्या होगा, 3x इक्वल टू y जब पुट कर दोगे सो दिस इज 3 dx इक्वल टू dy cos y / y एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो सो दिस इज cos x / x, cos x / x सो दैट इज इज पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मतलब है 1 / 4 + 3 / 4 सो दैट इज इज वन पाई बाय 2 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग जेईई मेन एग्जाम. नाउ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा 4 + बीटा 4 + गामा 4 का वैल्यू क्या होगा, ए सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, सो लाइक दिस अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर, सो लाइक दिस, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, सो लाइक दिस, यू कैन राइट इट द ट्रांसपोज कर दो एंड समेशन लगा दो सो दैट इज 120, एक से मल्टीप्लाई कर दो, x2 - 6 है, x3 + 5 x2, सो लाइक दिस, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा 4, इसका मतलब है समेशन ऑफ अल्फा 4 है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, 644 है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यही प्रोसीड्योर अप्लाई करना, ठीक है, कोई दूसरा मेथड नहीं, यही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. नाउ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, ठीक है, तो यार जब ऐसा होगा सो इस टाइप के इक्वेशंस का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ ऐसा, जब ए वन से बड़ा होगा ऐसा होगा, जब ए ए पार्ट वन से छोटा होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, तो राइट हैंड साइड को वन कर दो, इससे डिवाइड कर दो, देखो ए वन से छोटा है, ए भी वन से छोटा, ए भी वन से छोटा, जब एक्स जीरो होगा ए वन प्लस वन प्लस वन सो दैट इज थ्री देगा, वन टू थ्री, ऐसा ग्राफ, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड को वन है सो दिस इज वाई इज इक्वल टू वन है, तो एक ही पॉइंट में कटा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सो दैट इज इक्वल टू वन है. तो यार ये आपको समझना है, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. नाउ सो दिस इज सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेट टी आर इज इक्वल टू दिस देन क्लियर समेशन आर इज इक्वल टू 1 से इन टी आर एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी, सो दैट मींस क्या, यू कैन फाइंड आउट दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू कैन राइट लाइक दिस, देखो न्यूमरेटर 2r हो रहा है इसीलिए यू कैन राइट सो दैट इज इज हाफ ऑफ दिस, ठीक है. जब भी सम फाइंड करना है छोटा वैल्यू इस पे पुट करोगे, ग्रेटर वैल्यू इस पे पुट करना, आगे वैल्यू जब 1 है सो दिस इज 1 एंड ग्रेटर वैल्यू इस पे पुट कर देना, सो लाइक दिस, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इज 0 है, सो दिस इज इज हाफ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. नाउ सो दिस इज सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, देखो यहीं से एन कॉमन लिया, ठीक है, फिर इसके बाद फैक्टर कर लिया, फिर ए फॉर्म में लिखना, ठीक है, फिर जब तुम न्यूमरेटर को लिखोगे ये दोनों, ये जो दो एंड पॉइंट्स है इसका डिफरेंस का फॉर्म में लिखना, तो 2 + 2 सो दैट इज 4 इसीलिए 1 / 4 है, एंड इसको सेपरेट कर दो, जब भी सम फाइंड करोगे ना ऐसा करके प्रोसीड करना, अभी एन का जगह पे 3 पुट किया 1 / 24, एन का जगह पे इन्फिनिटी पुट किया सो दैट इज 0 है, सो दिस इज 1 / 96, दिस इज द ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. नाउ इफ 1 + cos a जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू जब 0 होगा और वेयर थीटा इज लाइन बिटवीन 0 से पाई देन थीटा क्या होगा, तो ये तो आप क्या करोगे इसको फिक्स करो, सो दिस इज c1 इज c1 - c3 एंड c2 इज c2 - c3, ठीक है, क्लियर, पर c1 - 41 इज देयर c2 - क्लियर, ये प्रॉपर्टी को आप सॉरी दिस इज c1 नहीं सो दिस इज r1, ठीक है, r1 - r3 एंड सो दिस इज 1 r2 इज r2 - r3, बस कुछ नहीं किया, क्लियर, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया सो दिस इज 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक किया सो दैट इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के 1 प्लस 1 2 सो दिस इज tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 सो थीटा बाई रूट 5 पाई बाई 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना.
मैट्रिक्स से ये क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. ए इज इक्वल टू 1 टू 0 1 पी इज दिस एंड क्यू इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी देन सो लाइक दिस पी इनटू क्यू टू द पावर 2024 पी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा. तो यहां सपोज इसको अप्लाई करो सो दिस इज पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया पी इनटू पी ट्रांसपोज सो दैट इज हिज आइडेंटिटी पी ट्रांसपोज इनटू ए. तो यार अभी जिसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है यहीं से एक क्यूब को निकाल लो क्यूब पी ट्रांसपोज सो दैट इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इनटू ए. फिर एक निकालोगे फिर ए स्क्वायर फिर एक निकालोगे ए क्यूब फिर एक निकालोगे ए फोर. अभी कहाँ तक जा सकता है ना सो लाइक दिस यहीं तक जा सकता है. ठीक है क्लियर. जब यहीं पर क्यू नहीं रहेगा तो ये क्या आ जाएगा पी ट्रांसपोज पी टू पी ट्रांसपोज सो दैट इज इज आइडेंटिटी सो दिस इज ए का पार्ट 2024 है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट ए का पार्ट 24 ए पे 10 देगा ए का पार्ट 10 है. ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस ए स्क्वायर क्या है 1041 ए क्यूब क्या है दैट इज 6. सो दैट मींस क्या हो रहा है देखो सो दिस इज जब 4 है मींस का 2 इनटू 2 जब 6 है 2 इनटू 3 है सो ए का पार्ट 2024 क्या है दिस इनटू 2 है सो दिस इज 4048 है. यही आपको समझना है. This is very very important. Now the value of summation sign is equal to 1 to infinity eta by 4 or 4 plus 1. इसको इस फॉर्म में लिखो. Clear? A square plus B square, A plus B whole square minus 2AB and then you will write like this. ठीक है ये दोनों का difference का पहले छोटा term लिखोगे and greater one numerator calculate करो 4R इसीलिए 2 है. Clear? जब भी इस type का questions होगा पहले इस पे छोटा value और इस पे greater value. आर का जगह पे 1 पुट करो 1 आर का जगह पे इन्फिनिटी पुट करो 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इज 0 है सो दैट इज इक्वल टू 2 है. दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी 1000% है. सो माय डियर फ्रेंड्स यू हैव गॉट 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस आर पी वाई क्यू फ्रॉम जेई मेन्स पी वाई क्यू फ्रॉम जेई एडवांस एंड कुछ सिलेक्टिव अच्छा क्वेश्चंस है. तो यार ब्लैक बुक से भी लिया है एंड टाटा मैकग्रोहिल बूस्टर सीरीज का भी बुक से लिया है. ये सारे क्वेश्चंस ही पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो यार प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शंस परफेक्शंस विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. जब आपका अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप चुटकी में कर सकते हो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फॉरथकमिंग जेईई मेन एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई मैथ्स चैनल. थैंक यू.